मैं सुमित सर हूँ और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैं 12th के नीचे के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। यहाँ 9th, 10th, 6th, 7th के भी बच्चे हैं। मैं मोस्टली 11th, 12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और टेक्निकल बच्चों को जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनको लगभग सारे सब्जेक्ट मैथ को छोड़कर, मैथ और केमिस्ट्री को छोड़कर लगभग सारे टेक्निकल सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। अपने जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा, अजय क्लासेस की कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैं 2015 में बीटेक पास किया तो थोड़ी आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे भी मतलब जैसे आप जानते हैं कि बीटेक करने के बाद ज़्यादातर लोग चाहते हैं तैयारी करना, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, IAS, IAS। वैसे मैं भी दिल्ली जाकर तैयारी करना चाहता था लेकिन कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, महंगी। उस समय आपको बताइए 2015 में ऑनलाइन कोचिंग का जमाना भी नहीं था, महंगी फीस थी, मैं दिल्ली नहीं जाता, तो घर पे रह के मैंने अपना तैयारी शुरू सब्जेक्ट पढ़ाया। धीरे 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 सब्जेक्ट पढ़ते गए, साल दर साल 1, 2, 10, 50, 56 सब्जेक्ट हो गए साल भर में, और इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने लगा और कोचिंग भी काफी ग्रो करने लगा। तो अजय सर के बारे में मैं यही कहूंगा कि मुझे यहाँ पे मुझे पढ़ाने का ऑफर और भी जगहों से मिला, मुझे और भी जगहों से कहा गया कि आप यहाँ आके पढ़ाइए, वहाँ आके पढ़ाइए, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ रोकी रखी वो अजय सर का व्यवहार था। अजय सर कभी भी मतलब जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, मैंने भी अपने स्कूल जो देखा है, स्कूल के प्रिंसिपल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट रहे, टीचर को एकदम मतलब आने का समय, जाने का समय, मतलब वो बस इतना चाहते हैं कि जो टीचर है अपना सिलेबस पूरा करे, वो बच्चों को जैसे पढ़ाए, सुबह पढ़ाए, शाम को पढ़ाए, एक्स्ट्रा क्लास ले, जब मन करे बुला ले, बस उनको चाहिए कि शिकायत नहीं आनी चाहिए, टीचर से कोई बच्चों का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि सर ये नहीं पूरा किए, वो नहीं पूरा किए, मतलब वो पूरी तरह से एकदम छूट दे देते हैं। उससे होता क्या है कि हर टीचर को ये लगने लगता है कि ये कोचिंग मेरा अपना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब से यहाँ पढ़ा रहा हूँ मुझे मतलब कभी फील ही नहीं आया कि मैं मतलब दूसरे की कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, हमेशा यही फील आया कि मैं अपना, मेरा अपना कोई कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे में आप भी अपना 100% देना शुरू कर देता है और मैंने भी अपना 100% दिया। फिर मैं अपना भी प्रिपरेशन करता रहा साथ साथ में, उतना टाइम तो नहीं मिल पाता था लेकिन फिर भी मैं अपना भी 1-2 घंटे मैं अपने लिए भी निकालता था, और आप देख ही रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपनी भी तैयारी की और रिजल्ट आपके सामने है यहाँ पे। मैंने भी सिलेक्शन ले लिया क्योंकि वैसे तो मेरा ड्रीम था IAS IPSC के थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज का, लेकिन ठीक है कई बार कुछ ड्रीम पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ भी सही, एक छोटा सा ड्रीम पूरा हुआ, आगे और भी प्रयास जारी रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि अजय क्लासेज जो है वो हमेशा इसी तरह से ग्रो करता रहे, तरक्की करता रहे और हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहे। अब मैं अंत में क्योंकि अजय सर के लिए, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि पिछले 2017 से जब से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ मेरे किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई, मैं अपने स्कूल के मेरे कोई फ्रेंड मेरे कांटेक्ट में नहीं है, ना तो मेरा कोई बीटेक का कोई फ्रेंड मेरे कांटेक्ट में, मतलब सारे फ्रेंडों से मेरा कांटेक्ट किसी से नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा दोस्ती होती मैं यकीन करता नहीं था। सिर्फ एक दोस्त मैंने बनाया पिछले लगभग 7 सालों से, वो अजय सर है। और इतना जरूर कहूँगा कि अब भविष्य का पता नहीं कौन कहाँ रहेगा किधर जाएगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो दोस्ती है वो कहीं नहीं जाएगी, वो दोस्ती हमेशा रहेगी और मरते दम तक रहेगी। तो आज के दिन थोड़ा मैं इमोशनल ही हूँ और मैं अजय सर के को एक सॉन्ग डेडिकेट करूँगा क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं गाना गाऊँ, तो अजय सर के लिए उसे मैं बहुत अच्छा नहीं गाता लेकिन फिर भी अजय सर के लिए गाना गाना चाहूँगा। सर जी बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं, पहले सुने भी होंगे, ठीक है, थोड़ा सा शांति बनाइएगा तो अच्छे से समझ में भी आएगा और अच्छे सुनाई भी देगा। अरे यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, अरे यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, जवाबित नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे
हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे, दिल यार का जा यार की अपना है क्या, इन हाथों में ताकत तुम्हारी जिंदगी से भी प्यार।